दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों रोजाना अपना राशिफल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सेलेक्ट ऑल कर लें। धनु राशि वालों हो जाओ तैयार, क्योंकि अब भगवान सूर्यदेव की कृपा से, भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपको 15 सितंबर से 21 सितंबर यानी कि सितंबर माह के 7 दिनों के अंदर 5 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। 5 बहुत बड़ी तूफानी खबर आपको मिलने वाली है और ये 5 बड़ी तूफानी खबर इस प्रकार होंगी कि धनु राशि वालों इन्हें आप सुनेंगी तो खुशी से झूम उठेंगे आप। ऐसा समय इन 7 दिनों का आया है, क्योंकि सूर्य का शुभ योग, रवि योग, द्यू पुष्कर राजयोग, कार्य सिद्धि योग, धन योग, राजयोग के साथ नौकरी योग भी है, जिसमें कि धनु राशि वालों इन 7 दिनों का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा 15 सितंबर से 21 सितंबर तक। कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां हैं, 5 बड़ी खुशखबरी वही इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे और कुछ सावधानियों के बारे में बताएंगे जिससे कि इस समय का अधिक लाभ आपको मिल सके। अंत तक वीडियो में बने रहें, क्योंकि अंत में आपको उपाय भी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे जिससे कि इस समय का और अधिक लाभ आप उठा सके। तो धनु राशि वालों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, सारे काम छोड़कर पूरा वीडियो जरूर देख लें, सबसे पहले देख लें, क्योंकि इस वीडियो को यदि आपने पूरा देख लिया तो इन 7 दिनों में बड़ा धन लाभ आपको होगा ही होगा, ऐसा समय है। जी हाँ, वीडियो का शुरू करें, सबसे पहले तो लाइक करना, जय सूर्यदेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो चलिए धनु राशि वालों बात करते हैं किस प्रकार इन 7 दिनों का समय यानी कि 15 सितंबर से 21 सितंबर तक का आपके लिए रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। धनु राशि वालों सबसे पहले तो आपको एक बात बता दें कि ये जो समय है 7 दिनों का, 15 सितंबर से 21 सितंबर तक का, इस समय जो आपकी आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति पहले से सक्षम और मजबूत स्थिति में रहने वाली है। कुछ समय से जो भी चिंताएं चली आ रही हैं उससे राहत आपको मिलेगी। परिवार के लोगों की हर छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने में धनु राशि वालों आपको आनंद आएगा। इस समय आप देखेंगे कि अचानक ही किसी पुराने मित्र या परिचित से मुलाकात आपको खुशी प्रदान करेगी। यह जो समय है आपके लिए भाग्य उन्नति के शुभ अवसर बना रहा है। जो काम पिछले काफी समय से अटके हुए थे, रुके हुए थे, उनके पूरा होने का समय आ गया है यूं कहें। परंतु आपको एक बात बता दें, कुछ समय ऐसा भी होगा जहां विरोधी आपके ऊपर हावी रहेंगे, होने की कोशिश करेंगे हावी, परंतु आपका अहित नहीं कर पाएंगे। आप अपनी बुद्धिमत्ता, होशियारी से हर परिस्थिति से निकल पाने में सक्षम रहेंगे। ऐसा समय धनु राशि वालों 7 दिनों का आपके लिए आया है। और साथ ही साथ इस समय आप देखेंगे कि कुछ राजनीतिक तथा महत्वपूर्ण लोगों से लाभदायक संपर्क भी आपके लिए बनेंगे। विद्यार्थी वर्ग के जो लोग हैं इधर उधर की बातों, सारी बातों को छोड़कर अपने अध्ययन पर फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। व्यर्थ की बातों पर समय व्यर्थ ना करें आप, और बच्चों की पढ़ाई में करियर से संबंधित समस्याओं का कोई समाधान भी मिलेगा इस समय आपको, और राहत व सुकून मिलेगी। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद व कृपा से घर में खुशनुमा वातावरण रहेगा। आप अपनी किसी कमजोरी पर विजय पाने में भी प्रयत्नशील रहेंगे। तो धनु राशि वालों कुल मिलाकर समय अनुकूल है। समय का लाभ किस प्रकार आप उठाते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि अच्छा समय का लाभ लेना है, इस समय का लाभ लेना है, तो आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। जो भी अवसर मिले इन अवसरों को भुनाएं, क्योंकि इन 7 दिनों में आपको अनेक अवसर धन प्राप्ति से संबंधित प्राप्त होंगे, करियर में आगे बढ़ने से संबंधित प्राप्त होंगे। इस समय का लाभ आप जरूर उठाएं, यकीनन सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। सावधानी के तौर पर भी कुछ बातें आपको अपनाना होगा। सबसे पहले तो अपने क्रोध व आवेश को काबू में रखना आपके लिए अति आवश्यक है। कई बार जल्दबाजी व अति आत्मविश्वास, अति उत्साह में बनाया बनाया खेल बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से आप अपने आप को नीचा महसूस करते हैं। कभी कभी आप खुद महसूस करें कि बनते बनते काम आपके बिगड़ जाते हैं आपके गुस्से से, आपके गलत व्यवहार से। सबसे पहले उसे सुधारें, क्योंकि इन 7 दिनों में अगर आपने ये दोबारा दोहराया तो यकीन मानिए कि मौके आपके हाथ से फिसल जाएंगे।
सबसे पहले अपना व्यवहार अच्छा रखें और दूसरा इस समय उधार पैसा किसी को ना दें, फिर पैसा नहीं मिलेगा। इस समय जो भी आप उधार पैसा देंगे वह पैसा आपको नहीं मिलेगा, और बेफजूल के खर्चों से भी परहेज करें, अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधित कुछ चर्चा कर लेते हैं, प्रेम जीवन से संबंधित सात दिनों में। सबसे पहले यदि आपके जीवन साथी के साथ यानी प्रेम आपके पति पत्नी में यदि कोई तालमेल खराब चल रहा है, कुछ अनबन चल रही है, कोई विवाद चल रहा है, उसका हल निकल जाएगा इस समय, और वह आपके संबंध और अच्छे मजबूत हो जाएंगे। पति पत्नी में संबंध और मधुर रहेंगे, घर परिवार के लोगों के साथ खुशनुमा समय व्यतीत होगा, और निसंतान दाम्पत्यों को नन्हे मेहमान के आगमन संबंधित शुभ सूचना प्राप्त होगी। इस समय किलकारियां गूंजने से संबंधित कोई अच्छी शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है, और अविवाहितों के लिए विवाह से संबंधित योग हैं, एक अच्छे जीवन साथी का साथ उनको मिल सकता है। बात अगर आपके बिजनेस व्यापार से संबंधित करें, सबसे पहले बिजनेस व्यापार उन लोगों के लिए समय अनुकूल है जो लोग साझेदारी में काम करते हैं, जो बिजनेस व्यापार मिलकर कोई कर रहे हैं तो उनके लिए समय अनुकूल है अच्छे, और परंतु उसके लिए एक दूसरे पर अच्छा विश्वास रखना होगा। कोशिश करें कि जो भी कार्य हो आपकी निगरानी में जरूर हो, अन्यथा धोखा भी मिल सकता है। वैसे तो परिस्थिति अनुकूल है, धोखा मिल सकता है, सावधान रहें, सचेत रहें। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े व्यवसाय अधिक मुनाफे की स्थिति में है, शेयर मार्केट ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू अच्छे धन लाभ के स्रोत आपको बनेंगे, अच्छी आप कुछ उपलब्धि हासिल करेंगे। धनुराशि वालों, इस समय आपको सेल टैक्स जीएसटी से आदि जुड़े कामकाज पूर्ण करा लें आप पूरे, मार्केटिंग संबंधित कार्यों पर अधिक ध्यान दें, अच्छा रहेगा आपके लिए। और जो लोग नया बिजनेस व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो इस समय उनका भाग्य का साथ मिल सकता है, नया बिजनेस व्यापार इत्यादि आप शुरू कर सकते हैं, ऐसा भी समय आपके अनुकूल है। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी में कुछ हल्की फुल्की परेशानी आएंगी, परंतु बुद्धिमता व विवेक का प्रयोग करके धनु राशि वालों आप अपनी सभी परेशानियों को हल बड़े शांतिपूर्ण तरीके से निकाल लेंगे, हर परेशानी का हल आपके पास है, और अपनी विवेक बुद्धिमता आत्मविश्वास के बल पर सभी कार्य आपके बनेंगे और हर समस्या का समाधान भी आप निकालेंगे। और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको नौकरी प्राप्ति के योग हैं, इंटरव्यू दिया है या प्रतियोगी परीक्षाएं आपने दी हैं पिछले कुछ समय में, उसके माध्यम से इस समय आपको नौकरी मन के अनुसार मिल सकती है। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई से संबंधित विदेश जाने का सपना है तो पढ़ाई से संबंधित आप विदेश जा सकते हैं इस समय, और करियर से संबंधित किसी प्रकार का समझौता आप ना करें, क्योंकि मौका बड़ा अच्छा है इन सात दिनों का। इस समय का लाभ यदि धनु राशि वालों आप उठाएंगे तो यकीन मानिए आपकी चर्चा ही चर्चा होगी, फिर ऐसा समय। स्वास्थ्य की बात करें तो धनु राशि वालों स्वास्थ्य के मामलों में मौसमी बीमारी से थोड़ा सतर्क रहें, अपनी आदतों व दिनचर्या को एकदम सुव्यवस्थित रखें, नियमित रूप से अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवाते रहें इस समय, क्योंकि मौसम बदल रहा है, इसका कोई दुष्प्रभाव आपको बनना पड़े। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखें, सुबह की योग मेडिटेशन में समय व्यतीत करें, अच्छा स्वास्थ्य रखें और सकारात्मक सोच रखें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय की बात करें धनुराशि वालों, इस समय उपाय आपके लिए क्या है, तो ज्यादा बड़ा उपाय नहीं, छोटा सा उपाय बता देते हैं क्या करें। आप एक लाल कपड़े में आप गेहूं और कुछ पैसे रखकर रविवार के दिन दान कर देना, मंगल हो जाएगा आपका जीवन में, लाभ मिल जाएगा, तो कार्य नहीं बन रहे थे वे भी बनेंगे और हर क्षेत्र में धनुराशि वालों सफलता आपके कदम चूमेंगे। तो अगले इसी प्रकार के राशिफल की वीडियो के साथ मिलते हैं धनुराशि वालों, जब तक के लिए धन्यवाद। लाइक जरूर करना वीडियो को।